किसी ने साजिश करके हत्या कराई है। हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी भी संगीन अपराध में कानून काम करता है। कहते भी हैं सुशासन में वो कानून काम करेगा। भाई सरकार कैसी बेशर्म है। चोर उचक्का जो तुम्हारा पुलिस ऑफिसर है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ये गुंडे किसी भी सीमा तक करा देते हैं या पैसे वाले किसी की हत्या करा देते हैं। नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में 14 साल हमने संघर्ष किया। मैं हिदायत करता हूँ, यदि असली कल्प्रिट को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये जन आंदोलन खड़ा किया जाए। मैं तो चाहूंगा कि जो मुख्य अपराधी है उसको पकड़ा जाए। ये शूटर है, ऐसा इन लोगों के बातचीत से लगता है कि शूटर है। मुख्य अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा और पुलिस का जोल है, कहीं ना कहीं पैसा खाए हुआ है। हत्या कराने में पुलिस की भूमिका है। तो ये जो सुशासन बाबू कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, इनको सर माननी चाहिए। ये 11वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का, नौजवान जो अभी परिवार का भविष्य होता, समाज का भविष्य होता, उसकी हत्या, और लड़का बेटा, एक घर का दीपक बुझ गया। ये निर्मम हत्या है। किसी ने साजिश करके हत्या कराई है। हत्या का कारण लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हत्या, चाहे जिस कारण से हुआ हो, हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी भी संगीन अपराध में कानून काम करता है। कहते भी हैं सुशासन में वो कानून काम करेगा, लेकिन इनके पोसे हुए जो लोग हैं, असामाजिक तत्व, वे लोग पुलिस पर दबाव बनाए हुए हैं। वो मुख्य अभियुक्त को तक हाथ जाने नहीं दे रहे हैं। और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट का यही तरीका है, तो उसमें धारा 307 भी लगाया है। पुलिस की भूमिका इसी से समझ में आ सकती है कि ये लोग डिमोरलाइज हो जाएं, रुक जाएं। भाई सरकार कैसी बेशर्म है। हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से कम नीतीश कुमार को जाए। इतना शर्म भी नहीं है कि जिस गांव के का हत्या हुआ है, उस हत्या पर 20 को दफा लगाया है और 100 लोगों पर दफा लगाया है। रोक जाम नहीं करेगा, क्या करेगा। इन चोर उचक्का जो तुम्हारा पुलिस ऑफिसर है, इन गुंडों के सहारे चाहते हो यहाँ न्याय दिलाना। तो ये बेशर्मी का हद है। सुन करके हम तो दिल्ली जा रहे थे, लेकिन अभी सूचना मिली हमको, तो हम कहता है कि अपराधियों को बचा रहा है। न्याय यदि पुलिस काम करती तो फिर आने का क्या मतलब। आने का यही मतलब है कि अपराधी पकड़ा जाए। वो हमारा परिवार ही क्यों नहीं हो, आपका परिवार ही क्यों नहीं हो। ये जो पूरे बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, किसी को आसानी से हत्या कर दे रहे हैं, इसका कारण यही है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ये गुंडे किसी भी सीमा तक करा देते हैं या पैसे वाले किसी की हत्या करा देते। ये अभी मौका नहीं मिल रहा है, हमारी हत्या करा देगा। इसलिए कि इसके हर जगह जो चेहरा का उजागर करते हैं, और हम लोग तो जो कमजोर पक्ष है उसी की लड़ाई लड़ने के लिए पैदा ही हुए हैं। ये बेईमानों को देखिए, बेशर्म। नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में 14 साल हमने संघर्ष किया। ये पूरा इलाका में लोगों से हथजोड़ी करते फिरते थे, कुकर्मी जमात को रक्षा करने के लिए, बेईमानों को, बेशर्मों को। मैं हिदायत करता हूँ, यदि असली कल्प्रिट को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये जन आंदोलन खड़ा किया जाए। इन चोरों के प्रति ये पुलिस के लोगों ने दिया है, ये 90 लोगों का नाम दिया है, रोड जाम कर रहे हैं। कौन सा बड़ा अपराध हो गया, उसका परिवार, उसका दिल कितना टूटा होगा, क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेगा। जब ये नाम दे रहा है, नाम तुम ये नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम इन्वेस्टिगेट करो। ये ऐसा कानून है क्या, हम FIR में जिसका नाम देंगे, FIR थाना के मन से बनेगा कि FIR जिसका डिसीज के मन से बनेगा, जिसका परिवार गया है वो बनाएगा, जिसको शंका है नाम देगा, तुम इन्वेस्टिगेशन में निकाल देते।
ये नया कानून है क्या? आईपीसी नया लाए हैं नीतीश कुमार? बेईमानों को, इन लोगों को इतना भी शर्म नहीं है? कोई 100 साल जिंदा रहने के लिए थोड़े यहाँ आया है? ये जो कुकर्म हो रहा है इनके राज में, इतना बेशर्म पुलिस भाई, जिसका परिवार नौजवान मारा गया है, गलती उसकी है किसकी है तुम इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन नाम नहीं दोगे, क्यों हत्या करा दी? अपराधी की भी हत्या कराने का नहीं है, कानून का काम करते हैं, कानून का कानून इसका ये करेगा, यही कानून है कि जिसका परिवार गया है वो केस कर रहा है, नाम दे रहा है कि इसकी जांच भी करो, इससे पूछताछ भी करो, तो नाम देने की